किंचिदस्ति धनंजय मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय। भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन इस दुनिया में सबसे सुप्रीम, मैं मुझसे बढ़कर इस दुनिया में और कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाय, जैसे पर्ल का नेकलेस जो होता है उसको एक ही धागा सारे पर्ल्स को बांध के रखता है, उसी तरह से प्रभु परमात्मा अंतरात्मा बनकर हम सब में अंतर्यामी बनकर हर एक जीव के अंदर है। कई बार जिंदगी में हमारे साथ विविध घटनाएं घटती है, कभी कभी हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और अचानक हमको बुलाता है और ऐसी कोई घटना घटती है जिसका हमारे साथ कोई संबंध ही नहीं होगा और हम लोग ऐसी जगह पे यार ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पाते हैं जहां पे एक
कोई डिसाइडेड नहीं होगा। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी, हमको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमेशा ये बात याद रखिए कि आपके जिंदगी में जो जो इंसान आ रहे हैं, आपसे जो कोई भी इंसान जो कुछ चीज बोल रहे हैं या जो कुछ भी हो रहा है, सामने वाले इंसान के अंदर से ये आपकी जिंदगी में उसका रीजन प्रभु करवाता है। अगर आपसे कोई कुछ बात करता है तो वो उसके अंदर से प्रभु बात करते हैं, प्रभु उनसे वो बात करवाते हैं। अगर आप अपने आप को कहीं पर अचानक पाते हैं तो उस चीज के लिए जो जो घटनाएं घटी है ये सब प्रभु करवाते हैं। आप में और हम में कोई भी ऐसी ताकत नहीं कि हम लोग कुछ अपने जिंदगी के साथ में ऐसा कुछ कर सके जिससे हम जिंदगी में बदलाव ला सके, नहीं है। जो कुछ भी आपके जिंदगी में हो रहा है ये सब कुछ प्रभु ही अंतर्यामियों की करवाते हैं। आप कभी भी किसी के साथ बैठे हैं, आप कोई वार्तालाप कर रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या उत्तर देना है या उस सिचुएशन में क्या रिएक्ट करना है, आंखें बंद करके मन ही मन में प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ये प्रभु मेरे अंदर भी आप अंतर्यामी हो, जो सामने बैठे उसके अंदर भी आप ही अंतर्यामी हो। मेरे जिंदगी में हमेशा खुशी रहनी चाहिए, मेरे मन का सुकून, मेरे मन का समाधान मिटना नहीं चाहिए। बस उनके मुख से ऐसा कुछ निकाल लो जिससे मेरे मन का समाधान निरंतर ऐसे ही रहे। प्रभु से कभी ये मत कहिएगा कि प्रभु आपके सामने जो बैठे, मेरे सामने बैठे, उनके मुंह से अब ये निकालिए ताकि ये जो भी काम है वो मेरे हित में हो। नहीं, प्रभु को इंस्ट्रक्शंस देना बंद कर दीजिए। आपके जिंदगी में प्रभु ही हर एक इंसान को लाते हैं, प्रभु ही उनके मुख से कुछ ना कुछ निकालते हैं, प्रभु ही सब कुछ करवाते हैं, प्रभु को सब कुछ पता है। आप इंस्ट्रक्शंस मत दीजिएगा कृष्ण को, आप सिर्फ ये कहिए उनसे कि मेरे मन का समाधान निरंतर रहे, मेरे मन का सुकून, मेरे मन का संतोष हमेशा निरंतर रहे। आप सिर्फ प्रार्थना कीजिए, इस दुनिया में प्रार्थना से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। द मोस्ट पावरफुल थिंग ऑन अर्थ इज प्रेयर। जब जब आप प्रार्थना करते हैं तब तब आप प्रभु से डायरेक्टली बात करते हैं। हमको लगता है प्रार्थना कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही दिव्य है, जिसको बैठकर पद्मासन करकर हाथ को नियमित तौर पर योगासन के वगैरह करकर बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस तरह से अपने जीवन में अपने भाई से, बंधुओं से, पत्नी से, माता पिता से, बच्चों से, मित्रों से, इन सब से बात करते हो, आप जब भी प्रभु से बात करते हो उसको प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना एक दिव्य शब्द है क्योंकि वो आप प्रभु से वार्तालाप करते हैं। हमारा जन्म सिर्फ प्रभु से वार्तालाप करने के लिए हुआ है। चूंकि हम लोग वो करते ही नहीं है और चूंकि वो हम लोग सिर्फ कुछ कुछ क्षणों में करते हैं, इसीलिए उसे प्रार्थना कहते हैं। जब जब आप संपूर्ण दिन ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जब आप निरंतर 24 घंटे प्रभु से बात करेंगे, उस दिन यह प्रार्थना शब्द निकलकर आप प्रभु के प्रति प्रेम व्यक्त करेंगे। प्रभु का और आपका रिश्ता ऐसा हो जाएगा जहां पे वो अटूट होगा और आपको उसके बाद कौन आपसे क्या बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस किसी भी चीज की आपको चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि उस समय आपको ये समझ जाएगा कि आपके जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ये प्रभु ही करवा रहे हैं। क्योंकि मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा में सबके अंदर तो अंतर्यामी बनकर प्रभु ही है। इसीलिए कभी भी आपके जिंदगी में कुछ भी हो रहा है, हर एक क्षण चिंता मत कीजिए, सरप्राइज मत होइए, डरिए मत, भयभीत मत होइए, सिर्फ उसका आनंद लीजिए कि प्रभु अब आगे क्या खेल खेल रहे हैं। जब हम लोग कोई सस्पेंस मूवी देखते हैं तो हम लोग सिर्फ ये नहीं सोचते कि अरे ये ऐसा क्यों हो रहा है, हमको पता है ये सस्पेंस मूवी, हम लोग ये सोचते हैं कि अब आगे क्या। हमारी जिंदगी से बड़ा सस्पेंस थ्रिलर और कुछ भी नहीं है, जिंदगी से बड़ा मिस्ट्री और कुछ भी नहीं है। बट इतना याद रखिए, अंत जब तक आप प्रभु के समक्ष हैं, प्रभु के चरणों के प्रति आपके मन में प्रेम है, तब तक आपके जीवन में आगे जो भी होगा वो आनंदमय ही होगा। इसीलिए जीवन आनंद लेकर उठाइए, हर एक क्षण को एंजॉय कीजिए, प्रभु वही चाहते हैं, बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे। आप सिर्फ आनंद में रहिए, मन के सारे भार को निकालकर प्रभु के चरणों में डाल दीजिए और उससे कहिए, हे प्रभु ये सब तुम्हारी इच्छा से हुआ है, आगे भी जो होगा वो तुम्हारी इच्छा से होगा, मेरा और इन चीजों का कोई संबंध नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा नाम चाहिए, तुम्हारे नाम का जाप चाहिए, मेरे मन में मेरे गुरु का ध्यान चाहिए, बस इतना याद रखिए। ज्ञानेश्वर महाराज को जब रात को नहीं पाते निवृत्तिनाथ अपने समक्ष, तब वो उठकर चिंता नहीं करते, उनको पता होता है कि प्रभु की ही कोई लीला होगी जिसके कारण ये हुआ है। निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई, ये तीनों ज्ञानेश्वर महाराज को ढूंढते हैं। जब वो ढूंढते हैं उसके बावजूद ज्ञानेश्वर महाराज नहीं मिलते, तो निवृत्तिनाथ महाराज एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और अपने गुरु का ध्यान करते हैं।
अपने गुरु का जब वो ध्यान करते हैं तब उनको अपने ध्यान में एक ऐसा एक मंदिर में एक पिलर दिखता है। मराठी में उसे कहते हैं पैसा खाम कहते हैं उसको। पैसा खाम का अर्थ ये होता है, पैस मराठी में मतलब होता है अवकाश। अवकाश का मतलब होता है दैट विच इज वास्ट। हमें ये लगता है कि ये पृथ्वी ये जगत बहुत वास्ट है, लेकिन अगर हम इस जगत को छोड़कर जब ऊपर की तरफ जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, तो स्पेस में जो ब्रह्मांड कहते हैं जिसे, वो ब्रह्मांड में तो हमारी पृथ्वी एक कण भर मात्र भी नहीं है, एक छोटी सी राई के मात्र भी नहीं है। अवकाश उसे कहते हैं विच इज वास्ट। पैसा खाम कहते हैं, और इसे अवकाश क्यों कहते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। तो उन्हें दिखता है कि ज्ञानेश्वर महाराज एक पिलर के पास बैठे हैं, और उनके पास में वहां पर बैठे हैं सच्चिदानंद बाबा। सच्चिदानंद बाबा कौन है? जिनको ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज जब पैठन की तरफ जा रहे थे तब निवासा नाम के एक जगह पर रुके थे, जहां पर ज्ञानेश्वर महाराज ने हरिपाठ कहा था, उस समय वहां से एक मृत शरीर को लेकर वो गांव वाले जा रहे थे। और उस मृत शरीर के पास जाकर जब ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज ने उनके शरीर पर हाथ रखकर ओम का उच्चारण किया, तब वो शरीर जाग उठा, उसे फिर से जीवन दान मिला। वो थे सच्चिदानंद बाबा। सच्चिदानंद बाबा निवृत्तिनाथ महाराज को अपने ध्यान में दिखते हैं, और वो समझ जाते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज निवासा की तरफ गए। जब ज्ञानेश्वर महाराज को उन्होंने अपने पास पाया नहीं, उस समय उन्होंने सिर्फ अपने गुरु का ध्यान किया। हमारे जीवन में कभी कभी इंसान तो दूर जाते हैं, वो तो छोड़ दीजिए, कभी कोई इंसान घूम गया ऐसी स्थिति तो बहुत कम आती है। हमारे जेब से अगर 100 रुपया भी खो गया तब भी हम लोग चिंतित होते हैं और सारा जग ढूंढते हैं उस 100 रुपये के लिए। हम लोग कभी ये मन में आंखें बंद कर प्रार्थना नहीं करते, गुरु का ध्यान नहीं करते कि हे प्रभु, जो कुछ खोया हुआ है वो तुम्हें पता है कि वो क्यों खोया है, कहाँ खोया है। तो जो भी आगे करना है वो आप कीजिए, उस चीज का और मेरा संबंध नहीं है। सत्य मानिए, अगर वो चीज आपके पास लौटनी होगी तो प्रभु स्वयं उसे लौटाएंगे, अगर नहीं तो वो आपके लिए हानिकारक था। जिस तरह से एक माता अपने बच्चे के पास में कोई भी ऐसी चीज नहीं छोड़ती जो उसके लिए हानिकारक होगा, अगर आपसे प्रभु कोई चीज ले रहे हैं तो मान लीजिए कि आपके जिंदगी में वो हानिकारक था, इसमें कण मात्र भी कोई संदेह नहीं है। किसी भी चीज के लिए घबराइए मत, दुख मत कीजिए, हर चीज को सुख में लीजिए, संतुष्टि में लीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए, गुरु का ध्यान कीजिए। जैसे ही निवृत्तिनाथ महाराज को यह समझ जाते हैं तो वो सोपानदेव और मुक्ताबाई को लेकर निवासा की तरफ चल पड़ते हैं। मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ महाराज को पूछती है कि आपको ये कैसे समझ में आया कि ज्ञाना दादा निवासा में है, तब वो कहते हैं मैंने अपने गुरु का ध्यान किया। जब वो लोग निवासा की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर निवासा पहुंचने के बाद में, निवासा तो पहुंच गए, अब उन्हें ये नहीं पता होता है कि आगे क्या, ज्ञानेश्वर महाराज निवासा में कहां पर है। एक पेड़ होता है जहां पर ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्तिनाथ महाराज, सोपानदेव और मुक्ताबाई जब पहली बार निवासा आते हैं तो उस पेड़ के नीचे कुछ क्षण वो लोग बिताते हैं और वहां पर उन्होंने ध्यान किया होता है। निवृत्तिनाथ महाराज फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और वो फिर से अपने गुरु का ध्यान करते हैं। आपके गुरु के ध्यान को करने के लिए आपके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपने इतने ही बार गुरु का ध्यान करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैं रोज पूजा करता हूँ, सवेरे उठता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद में मैं भगवान के सामने दिया जलाता हूँ, अगरबत्ती लगाता हूँ और प्रभु के नाम के 3-4 श्लोक कहता हूँ। प्रभु को इस चीज की आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, प्रभु को सिर्फ इस चीज की अपेक्षा है कि आप उसका ध्यान निरंतर करें। आप उसे अपने जीवन का एक ऐसा व्यक्ति माने जो आपसे विपरीत नहीं है, आपसे अलग नहीं है, प्रभु तो आपके अंदर है। जब सवेरे उठते हैं तो प्रभु को भी उठाइए, जब नहाने जाएंगे तो प्रभु को भी नहलाइए, ब्रश करते हैं तो प्रभु को भी पूछिए कि तुमने ब्रश किया क्या, जब चाय पीते तो प्रभु से पूछिए तुम चाय पियोगे, जब खाना खाने बैठते हो तो प्रभु से पूछिए तुम खाना खाओगे। प्रभु को जीवन के हर एक पल में जब तक आप अपने अंदर महसूस नहीं करेंगे तब तक आपको प्रभु की करुणा, प्रभु के प्रेम के बारे में आप कभी जान नहीं पाएंगे। पूरे दिन में प्रभु को आप अनुभव करने का प्रयत्न कीजिए। निवृत्तिनाथ महाराज फिर से उस पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं अपने गुरु का, और उस समय उनको वहां पर ज्ञानेश्वर महाराज एक मंदिर में बैठकर ओम नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ये उनको समझ में आ जाता है। आंखें खोलते हैं, मुख पर उनके एक हंसी छा जाती है और वो मुक्ताबाई से कहते हैं कि चलो अब हम ज्ञानेश्वर एक मंदिर में बैठा हुआ
ओम का उच्चारण कर हम उसे वहां जाकर मिलते हैं। मुक्ताबाई निवृत्तिनाथ महाराज से पूछती है कि भैया आपको कैसे पता चला कि न्याना दादा वहीं पर बैठा और आपने इसी जगह पर बैठकर ध्यान क्यों किया। निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि इस सारे जगत में हर जगह पर प्रभु एक बहुत मतलब ऐसा कोई जगह नहीं जहां पर प्रभु नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर में प्रभु का अनुभव हमें सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मंदिर में एक सानिध्य होता है। हमारे हिंदू संस्कृति में जब जब हम लोगों ने मंदिर बनाया है तो उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो साइंटिफिकली प्रूवन ना हो, चाहे वो मंदिर का डायरेक्शन हो, जिस पत्थर को यूज करते हैं वो हो, जिस तरीके से मंदिर को बनाया गया हो वो हो, या फिर जहां पर प्रभु को वहां पर विराजमान करते हैं वो हो, प्रभु को जहां स्थापित करके उनका आवाहन करते हैं, इस हर एक चीज में साइंटिफिकली प्रूवन मेथड ही हमने यूज किया है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई चीज नहीं है जो कोई झुठला सकता है। इसीलिए अगर आपसे आगे कोई पूछे कि ये आपने कैसे किया इस मंदिर में, तो ये खोटे वो खोटे, तो सबसे पहले ये मानिए कि वो लोग जो कह रहे वो असत्य है। हिंदू धर्म में ऐसा कोई चीज नहीं जो असत्य है। 100% फैक्ट, ट्रुथ और साइंटिफिकली प्रूवन चीज ही हम लोगों ने यूज किया हुआ है हमेशा। तब निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि उस जगह में वो सान्निध्य है मुक्ताई, जहां पर मैंने और ज्ञाना ने बैठ के ध्यान किया था, इसीलिए वहां पर जब मैंने बैठकर मेरे गुरु का ध्यान किया तो मुझे ज्ञानेश्वर का पता बहुत जल्दी लग गया। वहां से फिर से वो लोग निकल पड़ते हैं और वहां पर वो लोग उस मंदिर के पास पहुंचते हैं। जब वो लोग ये रास्ता चलते रहते हैं तब निवासा के गांव के कई लोग इन लोगों को देख लेते हैं और उन्हें पहचान लेते हैं कि ये वही बाल योगी है जो लोगों ने सच्चिदानंद बाबा को वहां पर मृत शरीर से जीवित किया था। सारा निवासा इकट्ठा होने लगता है और इनके पीछे 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 जाता है। और ये लोग जब उस मंदिर में पहुंचते हैं तो निवृत्तिनाथ महाराज देखते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज एक बड़े पिलर के पीछे, काला रंग का पिलर होता है जो पत्थर का होता है, उसके नीचे बैठ के ओम नाम का उच्चारण करते रहते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज जैसे ही ज्ञानेश्वर महाराज के समक्ष पहुंचते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज का ध्यान टूट जाता है और वो अपनी आंखें खोलते हैं, क्योंकि एक सत शिष्य को हमेशा किसी भी जग में, किसी भी स्थिति में, कोई भी स्थिति हो, अपने गुरु के आने का आभास उसके मन में अवश्य होता ही है। एक सदगुरु जब अपने शिष्य के पास पहुंचते हैं तो एक सत शिष्य, अगर वो सत शिष्य होगा तो उसको अपने गुरु का आवाज होता ही है। ज्ञानेश्वर महाराज अपनी आंखें खोलते हैं, अपने गुरु को अपने समक्ष पाकर वो खुशी खुशी उठ जाते हैं और सीधे जाकर निवृत्तिनाथ महाराज के चरणों को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद देते हैं। निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज को उठाते हैं और उनको आलिंगन देते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज पूछते हैं कि भैया आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो उस समय पर निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि ज्ञाना मैंने अपने गुरु का ध्यान किया और उन्होंने मुझे यहाँ पर इस जगह का तुम यहाँ पर हो करके बताया और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया। जब ज्ञानेश्वर रहते हैं उस समय वहां पर सारा निवासा के जितने गांव है सब एकत्रित हो जाते हैं। सब इकट्ठा होकर उस मंदिर में आते हैं और सब एक साथ होकर निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के आशीर्वाद लेने लगते हैं और वहां पर उस समय सच्चिदानंद बाबा भी आ जाते हैं। सच्चिदानंद बाबा ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज को देखकर फूले नहीं समाते, उनके नेत्रों से अश्रु रुकते नहीं है और वो बार बार निरंतर निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों को स्पर्श करते रहते करते रहते करते रहते। जितने भी बार हम प्रभु के चरणों को स्पर्श करते हैं, जितने भी बार हम अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं, यकीन मानिए आपके कोटि कोटि जन्मों का पाप एक ही क्षण में जलने रहता है, जलते रहता है, जलते रहता है। आपका शुद्धिकरण उसी वक्त शुरू हो जाता है जब जब आप अपने गुरु के चरणों को स्पर्श करते हैं और जब उनके मुख से एक आशीर्वाद निकलता है या फिर उनके मुख पे हंसी भी आती है, उस समय भी वो अपने सारे पापों को, हमारे सारे पापों को वो एकत्रित करके अपने पास लेते रहते हैं। अपने गुरु की सेवा करने का एक भी मौका मत छोड़िएगा। कोटि कोटि जन्मों के बाद ही ऐसा मौका मिलता है, गलती से भी ऐसे मौके को मत छोड़िएगा। सच्चिदानंद बाबा को जब ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज देखते हैं तो सच्चिदानंद बाबा कहते हैं कि आपको मेरे गृह में चलना ही होगा, वो आपका ही गृह है, मेरी ये जिंदगी आपकी दी हुई, आपको मेरे घर आना होगा और आपको वहीं रहना होगा। निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि हम किसी के भी घर में आकर रह नहीं सकते, इसीलिए आप इसके लिए आग्रह ना करें। सच्चिदानंद बाबा कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आपको भले आप मेरे घर पे नहीं आएंगे, लेकिन आपके दिन भर का जो भी खान पान का जो भी प्रबंध होगा वो सिर्फ मैं ही करूंगा, और ये अगर स्वयं विट्ठल भी मुझे आकर कह दे कि ये ना करो तब भी मैं नहीं,
नहीं सुनूंगा, आपको आना ही होगा। निवृत्तिराज महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज उनके प्रेम के वश में आकर हाँ कह देते। एक सदगुरु को अगर हमारे घर पे आकर वो रहते हैं या फिर वो हमारे घर पे आकर अन्न ग्रहण करते या हम पर कृपा करते, उन्हें हमारे घर पे आके रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें हमारे लिए आकर कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वयं प्रभु को अपने हृदय में लेकर घूमते हैं, वो प्रभु जिसने सारा कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके हर एक बाल में उसके शरीर पे होता है, उस प्रभु को वो अपने हृदय में लेकर घूमते हैं और वो प्रभु वो जो कहेंगे वो सब कुछ करता है। आपसे और हमसे उनकी क्या उम्मीद हो सकती है? ये तो उनकी कृपा होती है, उनकी करुणा होती है कि वो हमारे साथ में आकर कुछ पल बिताते हैं और हमारे जीवन का उद्धार करके चले जाते हैं। सच्चिदानंद बाबा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं जब ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज हाँ कहते हैं और ये सारे के सारे गांव वाले अपने अपने गृह में लौट जाते हैं और तीनों ये चारों भाई बहन उस मंदिर में अपना समय व्यतीत करते हैं। रात में निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज एकांत में होते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ महाराज से पूछते हैं कि भैया यहाँ पर तो मैं आ गया हूँ लेकिन मुझे पता नहीं यहाँ पर मैं क्यों आया, मेरा मन बड़ा अस्वस्थ था इसीलिए, और मेरे मन में अचानक आया कि तुम्हें निवासा की तरफ जाना है इसीलिए मैं यहाँ पर आया, लेकिन मेरे यहाँ आने का कार्य क्या है ये अभी तक मुझे पता नहीं चला। निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि न्याना हम लोग कभी भी कोई भी स्थल में अगर हमारे कंट्रोल के बिना पहुंच जाते हैं तो वो सिर्फ प्रभु की लीला होती है, हमारा कार्य है सिर्फ प्रभु की लीला जो भी है उस कार्य में हमको सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, हमें अपने तरफ से कोई सोच नहीं करना है, हमको सिर्फ प्रभु का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है और प्रभु के नाम का जाप करना है, बाकी और आने वाले प्रभु की लीला का इंतजार करना है, हमसे जो भी करवाना है प्रभु हमसे अवश्य करवाते जाएंगे। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं ठीक है, और उस रात्रि को सारे भाई बहन वहां पर सो जाते। जैसे ही सवेरा होता है तो उस समय फिर से सारे गांव वाले एकत्रित होते हैं और सच्चिदानंद बाबा अपने पत्नी के साथ में फिर से उस मंदिर में पहुंचते हैं इनके लिए अन्न लेकर। जैसे ही वो अन्न लेकर पहुंचते हैं तब ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज वहां पर बैठे रहते हैं और उनकी पत्नी कहती है कि आप यहाँ पर आने का कारण सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैंने प्रार्थना की थी कि आप यहाँ पर अवश्य आए। ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज बड़े आश्चर्यचकित होकर उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कैसी प्रार्थना की थी, तब वो कहती हैं कि सच्चिदानंद बाबा जो मेरे पुरुष हैं उनके छोटे भाई हैं पूर्णानंद और वो संन्यास लेने के लिए बहुत उत्तीर्ण हो गए हैं और वो संन्यास लेने के लिए पूरी तैयारी कर आज संन्यास लेने वाले हैं और यही प्रार्थना मेरी थी कि वो ऐसी उम्र में संन्यास लेकर क्यों जा रहे हैं, तो आप कृपया मेरे घर चलकर उनसे एक बार बात कर लें, आप उनको दर्शन दे दीजिए और उनको समझाइए कि वो क्या करें। निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज दोनों एक साथ इनके साथ चले जाते हैं और जब वो उनके गृह में पहुंचते हैं तब पूर्णानंद वहां पर संन्यास लेने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं और वो अपना झूला लेकर वहां से निकलने की तैयारी में होते और सारे घर वाले मिलकर वहां पर उन्हें रोकते रहते कि ये आप कैसा क्यों करें। उस समय पर जब ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज वहां पर पहुंचते हैं और वो ये देखते हैं कि पूर्णानंद वहां से निकल रहे हैं और सारे घर वाले उन्हें रोक रहे हैं। जैसे ही वो ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज को पूर्णानंद देखते हैं तो वो दौड़ कर आकर उनके चरणों में गिरते हैं और कहते हैं कि अब मेरे संन्यास जाने के लिए जो समय आया है वो बिल्कुल शुभ है क्योंकि मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं और इसीलिए ये संन्यास जो मैं लूंगा ये परिपूर्ण रूप से सत्य साबित होगा और इसीलिए ये बहुत शुभ संकेत है मेरे लिए, मुझे कृपया आशीर्वाद दें। ज्ञानेश्वर महाराज उनसे पूछते हैं कि आप संन्यास क्यों लेना चाहते हो, तब वो बड़े आश्चर्यचकित होते हैं पूर्णानंद और वो कहते हैं कि आप ये कैसे पूछ सकते हो, आप तो ज्ञानी हो, आपको तो पता ही है कि गीता में लिखा हुआ है कि संन्यास धर्म को जो जो लेता है उसे अवश्य वैकुंठ प्राप्ति होती है। ज्ञानेश्वर महाराज हंसते हैं और वो कहते हैं कि ऐसा गीता में तो नहीं लिखा हुआ है कि संन्यास धर्म लोगे तो अवश्य वैकुंठ मिलेगा, संन्यास धर्म से ही वैकुंठ की प्राप्ति होगी, ये आपको क्यों लगता है। और वो फिर ज्ञानेश्वर महाराज वहां पर गीते का सारा वर्णन करते हुए उनसे कहते हैं कि कर्मयोगी ही है जो प्रभु के सबसे प्रिय होता है क्योंकि इस जगत में इन सारे चीजों को झेलते हुए भी वो अपने कर्मों का सही तरीके से वो सारे अपने कर्मों को निभाता है और उसके बावजूद सारे कर्मों का फल प्रभु के चरणों में अर्पित करता है और उसके बाद भी वो प्रभु के ध्यान में लीन होकर भक्ति करता है, इसीलिए प्रभु के लिए तो कर्मयोगी ही सबसे श्रेष्ठ है और आप कर्म करते हुए करेंगे, अपना जीवन व्यतीत करेंगे, भक्ति करेंगे,
तब भी आपको वैकुंठ निश्चित है। गीता का सारा वर्णन करके पूर्णानंद को ज्ञानेश्वर महाराज बहुत विस्तीर्ण भाव से समझाते हैं और पूर्णानंद के मन में एक समाधान आ जाता है, उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है, और वो ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों को छूकर उनसे क्षमा प्रार्थी करते हैं और वो उनका आभार मानते हैं और वो संन्यास धर्म नहीं लेते। कई सारे लोगों को ये लगता है और कई सारे लोग ये कहते भी है, जब जब घर में ऐसी कोई स्थिति आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जहां पर कोई झगड़ा हो गया हो या मनस्ताप हो गया हो या उनके मन में दुख आ गया हो, तो कहते हैं मैं सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लूंगा। सब कुछ छोड़कर इस दुनिया से भाग कर जाने के लिए संन्यास धर्म नहीं है। संन्यास धर्म एक ऐसा सैक्रिफाइस है जो इस सारे जगत के कल्याण के लिए लिया जाता है, जहां पर कोई इंसान पूर्णतः अपने सुखी जीवन में होता है, मन से समाधान होता है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है और उसके बावजूद उन सारे चीजों को एक झटके में चुटकी बजाते हुए उसका दिल से मन से त्याग करते हुए सिर्फ प्रभु के ध्यान में, सिर्फ प्रभु के लिए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हर चीज का त्याग कर कर जो जाता है, अपने सुखों का त्याग करके जो जाता है, वो सन्यासी होते हैं। जैसे कि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जैसे कि स्वामी रामानुजाचार्य, जैसे कि स्वामी राघवेंद्र, ये थे सन्यासी जिनका जीवन बहुत ही सुखमयी था। उन्हें जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी, किसी भी चीज की, ना पैसा, ना धन, ना अपने जीवन में किसी बंधुओं का, ना जीवन में किसी सुख का, ना अन्न का, किसी चीज की कमी नहीं थी। फिर भी उन सबको उन्होंने एक पल में, एक क्षण में त्याग दिया और सिर्फ लोका समस्ता सुखिनो भवंतु इस एक ही कार्य को सिद्ध करने के लिए वो चले गए और सन्यासी बन गए। इससे बड़ा सैक्रिफाइस और कुछ नहीं होता है। इसीलिए वो लोग ऑरेंज कलर का जो पहनते हैं, भगवा रंग का जो पहनते हैं कपड़ा, वो भगवा रंग ही एक सैक्रिफाइस का रंग होता है, अग्नि स्वरूप होता है वो। इसीलिए आगे से कभी भी आप अगर किसी सन्यासी को मिले तो पहले परखिए कि क्या वो एक्चुअल में सन्यासी है या नहीं है, क्योंकि अगर एक असली सन्यासी के समक्ष आप नहीं गए और किसी ढोंगी के सामने गए तो आपके ही जीवन में कष्ट आएंगे, क्योंकि आपका मन भटकेगा। पूर्णानंद सन्यास धर्म को नहीं लेते और ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज वहां से लौट कर आते हैं। जब लौटते रहते हैं तब वहां पर उनको एक दादाजी मिलते हैं। वो दादाजी इनके समक्ष आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा हो गया आप मिल गए, ये कहकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और इनके चरणों में वो प्रार्थना करकर उनके चरणों में गिर जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज पूछते हैं कि आप क्यों आए हो, क्या चाहिए आपको? तब वो कहते हैं कि मेरा बहुत वय हो गया है और वो बहुत ही वृद्ध होते हैं, उनकी उम्र कम से कम 90-95 के करीब होती है और वो बहुत वृद्ध होते हैं। कहते हैं मेरा उम्र इतना हो गया और मुझे मरने से भय है, मुझे बहुत भय लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो आगे क्या, इसीलिए मुझे मरना नहीं है, लेकिन आप आ गए हो तो जैसे सच्चिदानंद बाबा को आपने जीवित कर दिया, आप मुझे भी जीवित कर दोगे। ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज हंसते और कहते हैं कि बाबा ऐसी कोई बात नहीं है और मरने से भय क्यों? सबको ये लगता है कि मरने के बाद में आगे क्या होगा, मरना तो सिर्फ आपकी आत्मा आपके शरीर को छोड़कर चली जाती है किसी और शरीर में, या फिर अगर हमने भक्ति की है, अगर गुरु की परिपूर्ण कृपा हम पर है, तो मरने के बाद में हम जाएंगे वैकुंठ, जहां पर हम निरंतर सुख में रहेंगे, मुक्ति मिलेगी हमें। तो ये सब कुछ ज्ञानेश्वर महाराज बहुत ही डिटेल में उनको समझाते हैं और उसके बाद में वो बाबा वहां से सुख में चले जाते हैं। हर बार ज्ञानेश्वर महाराज जब जब किसी को समझाते हैं तो वो गीता से कोई कोई श्लोकों को कहकर उनका विस्तारण करते हैं, उनको बहुत ही मधुर और बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाते हैं और सामने वाले को वो समझ में आ जाते हैं। फिर से जब वो लोग लौटते हैं और मंदिर में आते हैं, और जैसे ही वो लोग मंदिर में आते हैं तो वहां पर सारा निवासा का भीड़ जम जाता है और सभी लोग ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज को घेर लेते हैं और हर कोई उन्हें अपनी अपनी कथा सुनाते रहता है। ज्ञानेश्वर महाराज के कोई हाथ छूता है, कोई पैर छूता है, कोई उनके सर को छूता है, कोई उनके शरीर को छूता है, निवृत्तिनाथ महाराज को छूते रहते हैं और उनको, और है तो छोटे बच्चे, बाल योगी है पर है तो छोटे बच्चे। जैसे ही सब घेर लेते हैं तो वहां पर उनको समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। मुक्ताबाई और सोपान ने बहुत प्रयत्न करते हैं, सच्चिदानंद बाबा बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये भीड़ के अंदर उनके लिए भी घुसना इजी नहीं होता और वो लोग भी बाहर ही रहते हैं। मुक्ताबाई को बड़ा क्रोध आ जाता है और वो थोड़े से ऊपर एक जगह पर जाकर खड़ी हो जाती है और वहां से सबको चिल्लाती है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हो, ऐसा मत कीजिए, सब एक लाइन में खड़े रहिए।
जैसे ही मुक्ताई वैसे कहती है, सारा का सारा निवासा सारे लोग एक एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और निवृत्तिनाथ महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज फिर उनसे पूछते हैं कि बताइए आपका कष्ट क्या है। सब एक एक करके अपना कष्ट बताने लगते हैं और वहां पर 100, 200, 300 से ज्यादा अधिक लोग होते हैं, सारा गांव होता है वहां पर। कोई कहता है कि मेरी बच्चे की तबीयत ठीक नहीं, कोई कहता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं, कोई कहता है मेरे घर पे अन्न नहीं है, कोई कहता है मेरे घर पे धन नहीं है, कोई कहता है कि मेरे माता पिता बहुत ही उम्र हो गई, मुझे बड़ा उनकी तरफ सोचकर मुझे बड़ा बहुत दुख होता है, कोई कहता है कि मेरे खेत में अन्न नहीं आ रहा है, कोई कहता है कि बरसात नहीं हुई हम क्या करें। हर एक इंसान अपने 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 चीजों का अपने दुख को व्यतीत करता है। आप जिन जिन से आपके जिंदगी में मिलते हैं हमेशा यह ध्यान में रखिएगा कि हर एक इंसान अपने अपने मन में दुख का भार लेके घूम रहा है, ऐसा पहाड़ जो वो नीचे रख नहीं पाता, जिसके कारण वो सांस नहीं ले पाते, अन्न ग्रहण नहीं कर पाते, हर क्षण वो या तो अपने पास्ट के रिग्रेट्स में जीते रहते हैं या अपने फ्यूचर के वरीज में। ऐसा कोई इंसान इस जगत में नहीं है। हाँ, जिन पर परिपूर्ण गुरु कृपा है और जिनके मन में अपने गुरु पर अतीत विश्वास है, अटूट विश्वास है, उनके मन में कोई भार नहीं होता, वो हर क्षण बस हंसते हुए जीते। लेकिन ऐसे सिर्फ किंचित, बहुत किंचित लोग हैं। इसीलिए किसी के बारे में भी ओपिनियन व्यक्त करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि शायद आपके जिंदगी में जितना दुख है उस सामने वाले की जिंदगी में उससे कोटि कोटि गुना ज्यादा दुख है। जब ज्ञानेश्वर महाराज और निवृत्तिनाथ महाराज ये सब कुछ सुनते थे, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि ठीक है, आप लोग कल आइए और आपके सारे दुखों का हम निवारण करेंगे। सब चले जाते हैं और रात्रि में ज्ञानेश्वर महाराज निवृत्तिनाथ महाराज के साथ में एकांत में होते हैं और उस समय पर निवृत्तिनाथ महाराज ज्ञानेश्वर महाराज से कहते हैं कि ज्ञाना, तुम हमेशा पूछ रहे थे कि तुम्हारे यहाँ पे आने का उद्देश्य क्या है। तुम्हारे यहाँ पे आने का उद्देश्य यही है कि तुम इन सारे लोगों के दुखों का निवारण कर सको, तुम इनको गीता का उपदेश करो। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि भैया गीता का तो उपदेश मैं कर दूंगा, लेकिन गीता बहुत कठिन है, उसके श्लोक संस्कृत में है और उसका उपदेश करना इन सारे लोगों को समझ में कैसे आएगा। तब निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि ज्ञाना, हमारे पिता ने हमेशा हमें यह सिखाया है कि कोई भी चीज जब तुम करते हो तब उसे, किसी चीज को समझाते हो तब उसे जितने इजी लैंग्वेज में समझा सको उतने इजी लैंग्वेज में समझाओ। तुम गीता के ही श्लोकों को इन लोगों तक सिंपल मराठी लैंग्वेज में क्यों नहीं समझाते हो, और जब तुम ये समझाओगे तब इन्हें भी समझ में आएगा और गीता में ऐसा कोई जगह, इस जगत में ऐसा कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, ऐसा कोई भार नहीं है, ऐसा कोई अड़चन नहीं है जो भगवद गीता में जिसका निवारण नहीं है। जब जब आप भगवद गीता का उच्चारण करोगे उसके श्लोकों में इस जगत के हर एक दुख का निवारण अवश्य है। ज्ञानेश्वर महाराज से निवृत्तिनाथ महाराज कहते हैं कि तुम गीता के भाव का, असली गीता का जो भाव है उसके अर्थ को इनको समझाओ, उसका दीप जलाओ। और इसीलिए जब ज्ञानेश्वर महाराज गीता का सारा श्लोकों का उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, उसका नाम था भावार्थ दीपिका, क्योंकि निवृत्तिनाथ महाराज ने यह कहा कि गीता का जो भाव है उसके अर्थ का दीप लोगों के मन में जलाओ, और इसीलिए भावार्थ दीपिका का उत्पन्न हुआ। और ये भावार्थ दीपिका हम सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए, गुरु के नाम का ध्यान कीजिए और ये स्मरण रखिए कि मई सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव, आपके जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे सिर्फ प्रभु की लीला है। तो चिंता मत कीजिए, भय मत कीजिए, सिर्फ आगे क्या होने वाला है इसका वेट कीजिए और उसका आनंद लीजिए। राधे कृष्ण।